हाय स्टूडेंट्स ये फंडामेंटल चैप्टर का सेकंड वीडियो है एक वीडियो तो आप लोग का चला गया उस वीडियो में टोटल पंद्रह गो क्वेश्चन है इस वीडियो में सात गो क्वेश्चन रहेगा ठीक ना देखिएगा और आपको दो वीडियो लगभग और जाएगा इस चैप्टर का आप लोग एक जरूर आप लोग का ना कि हम जो भी वीडियो बता रहे हैं आप लोग वीडियो देखने के बाद कॉपी में जरूर नोट कर लेना ठीक ना क्योंकि आप यदि केवल इतना सोचोगे ना कि चलते हैं केवल वीडियो देख के हो जाएगा तो इम्पॉसिबल है के ना तो आप लोग कॉपी हर स्टूडेंट सोचता है तभी रिविजन करोगे जब आप कॉपी में नोट करोगे ठीक है ना तो सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से बोलते हैं आप लोग वीडियो देखने बाद कॉपी में नोट कर लेना ठीक ना चलिए देखिए क्या है देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है टोटल एसेट्स ऑफ फॉर्म इज फोर लाख फाइव थाउजेंड्स देखिए एक टोटल एसेट कितना दिया है चार लाख पाँच हजार एंड द टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी आर फिफ्टी फाइव थाउजेंड्स आउटसाइड लाइबिलिटी कितना दिया है पचपन हजार देखिए एसेट दे दिया चार लाख पाँच हजार लाइबिलिटी दे दिया पचपन हजार आगे देखिए देन द अमाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल विल बी बताइए तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा तो आप लोग तो जान ही दें पार्टनर्स का कैपिटल कैसे निकलता है एसेट्स में से लाइबिलिटी को क्या कर देंगे माइनस कैपिटल का फॉर्मूला ही होता है एसेट माइनस लाइबिलिटी फट से कह दो कैपिटल कैसे निकल जाएगा देखो एसेट कितने से है चार लाख पाँच हजार लाइबिलिटी कितने से है पचपन आपका टोटल कैपिटल आपका कितने से हो जाएगा तीन लाख पचास है बस हो गया यही आपका कैपिटल आ गया कैपिटल कितना निकल गया तीन लाख पचास हज़ार बताइए ऑप्शन क्या है तीन लाख पचास हजार चार लाख तीन लाख पचहत्तर हजार नॉन नफ दिज इसका सही आंसर क्या है तीन लाख पचास हजार समझ में आ गया ना चलते हैं अगला क्वेश्चन क्यों है? करेंट अकाउंट इज करेंट अकाउंट क्या है आप लोग अनेक को एक तो कॉपी में भी बताए कितना बार आप लोग को पूछ भी लिए हैं क्लास में और जो नहीं जानते वो अब समझ लो ठीक ना आप लोग देखिए करेंट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नॉन ऑफ दीज तो आप लोग रट जाना करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट होता है समझ में आ गया ना कॉपी में नोट कर लेना पूरा एक एक वीडियो अगला पॉइंट देखिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर वेन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स इज मेंटेन अंडर बोला कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाया जाता कब फिक्स बेसिस में फ्लेक्चुएटिंग बेसिस में फिक्स बेसिस में, फिक्स बेसिस में इन बोथ ऑफ ऑफ सिचुएशन नॉन दीज तो आप लोग को क्लियर बताया गया है कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड होता है फिक्स मेथड फ्लेक्चुएटिंग मेथड फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट समझ आ गया ना तो बोला है कि करेंट अकाउंट कब बनाते हैं जब कैपिटल हम लोग किस मेथड से बनाया जाए फिक्स मेथड से जब कैपिटल किस मेथड से बनाया जाए फिक्स मेथड से समझ में आ गया ना चलते हैं अगला क्वेश्चन क्यों है?

प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटते हैं ये तो इसके पहले वाले वीडियो में भी बता दिए बताइए नॉन ऑफ दीज किसी भी पार्टनर को याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है अगला क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बताइए इसमें से अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कौन है इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी रेंट आप लोग याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोपियसन ऑफ प्रॉफिट कौन सा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोपियसन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट के रूप में हम लोग क्या लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लेते हैं मान लेते हैं कि हम लोग चार आदमी मिलकर बिजनेस किए हम लोग चार आदमी मिलकर बिजनेस किए सैलरी भी लेंगे तो हम ही लेंगे मालिक तो हम ही लोग हैं ना सैलरी यदि कोई पार्टनर का मिलता है तो उसी का आया इंटरेस्ट कैपिटल पर मिला तो उसी का आया प्रॉफिट आया तो उसी का है सब चीज तो उसी का है तो समझ में आ गया ना देखना तो, आपसे पूछा है कि ऑफ ऑफ द इज एन प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रॉफिट के रूप में होता है अगला क्वेश्चन देखिएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन बताइए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक स्टूडेंट इसको गलती कर देता है हर स्टूडेंट इसको क्या करता है गलती करता है आप लोग एकदम से रट जाओ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल एवरेज कैपिटल बैठा लो से में जब भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट होता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पर ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन है देखिएगा इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट लॉस शेयर बताइए एक पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटा जाता है पहला ऑप्शन देखिएगा इक्वली इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एज पर एग्रीमेंट नॉन ऑफ दीज तो आप लोग तो जान ही रहे जब कुछ भी नहीं दिया रहे तो प्रॉफिट इक्वल बांटेंगे समझ आ गया ना या नहीं तो किस रेशियो में बांटेंगे एज पर एग्रीमेंट माने कि चार पार्टनर है चारों पार्टनर मिलकर एक एग्रीमेंट करेंगे चलते हैं प्रॉफिट को इस सदस्यों में बांटेंगे तो जैसा एग्रीमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस बटेगा ठीक ना चलिए तो आपका सही आंसर क्या है एज पैग देखिए इस वीडियो में साते क्वेश्चन रहेगा कल के क्लास में आप लोग का दो वीडियो जाएगा सारे स्टूडेंट देख कर कॉपी में नोट कर लेना ठीक सभी को थैंक यू